टीवी की फेमस एक्ट्रेस चारू असोपा और राजीव सेन का झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक्ट्रेस ने पति पर आरोप लगाया कि राजीव ने कई बार उन पर हाथ उठाया था, साथ ही उनके साथ काली गलौज की। चारू असोपा ने अपने इंटरव्यू में ये भी खुलासा किया था कि लड़ाई के बाद राजीव अक्सर गायब हो जाते थे, जिससे उन्होंने कई महीने अकेले रहकर बिताए हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक्ट्रेस के इन आरोपों पर अब सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने अपनी वाइफ के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मेरी बेटी उनके साथ सुरक्षित नहीं है। इसके साथ ही राजीव ने चारू असोपा को यूट्यूब वर्ल्ड से बाहर निकलकर फैमिली पर ध्यान देने के लिए भी एडवाइस किया है। राजीव ने चारू असोपा द्वारा तलाक लेने के फैसले पर रिएक्शन दिया है। राजीव ने इस बारे में कहा, मैं कभी भी तलाक नहीं लेना चाहता था, मैंने उनसे शादी की, उन्हें खुश रखा और उनका पार्टनर भी बना, लेकिन उस वक्त मुझे भी खुशी और प्यार चाहिए था। चारू को ज़रूरत है कि वो अपने YouTube वर्ल्ड से बाहर निकलें और अपने फैमिली के लिए अहमियत समझें, क्योंकि अब हमारे पास एक बेटी भी है। साथ ही वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा घमंड बुरे दोस्त और एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़त्म कर सकते हैं। वह आपको बता दें कि राजीव सेन चारू असोपा के आरोपों पर भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा कि तलाक लेने और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जगह मेरी वाइफ मेरे बारे में झूठ बोल रही है, जैसे उसने मुझे कभी अपनी पहली शादी के बारे में नहीं बताया था। भगवान उन पर उनके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। वैली बात तो समझ आ चुकी है कि राजीव और चारू के बीच में अब कुछ भी सेटल नहीं होने वाला है। टेलीविजन से जुड़ी हर खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।